नमः कुंज विहारिने, नमः कुंज विहारिने, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिने। प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदास, विपुल प्रेम निज नेम गहि कहे सुजस बिहारिन दास। गुरु सेवत गोविंद मिलो और गुरु गोविंद ही आए, श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जेवत है मुख चार। प्रथम वृंदाटवी रज पात्र निधि वरण्य निवास कृत गान विद्या निधानो सस्वामी शरणम हिन। लाख लाख वर हरि कहो एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न हुए लाडले देह विपिन को बास। श्री हरिदास नमस्तुभ्यं वृंदारण्य निवासने विहार प्राण विताय नमः प्रेम एक मूर्तये। अतः श्री हरिदासेन सदृशोन कश्चन दात्रा नित्य विहारस्य बिना नित्य विहारिनम्। दात्रा नित्य विहारस्य बिना नित्य विहारिनम्। ना पाई श्री स्वामी बिन केले विपिन बसो वैराग्य जुत जो लड़का खेल। बिहारी जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, वृंदावन चंद्र जी की जय, समस्त आचार्य वृंदन की जय, गुरु जी महाराज की जय। जय जय श्याम कुंज विहारे श्री हरिदास। आचार्य प्रवर अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, परम लाल्ली ठाकुर, श्री बांके बिहारी बिहारी, स्वामी मोहनी बिहारी बिहारी, श्री रसिक बिहारी बिहारी, रंगीले बिहारी बिहारी, सभी संत महानुभाव रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन संत जन सभी के श्री चरणार बिंदों में इस दास का साष्टांग धन्यवाद। पूर्व प्रसंग में महाराज की वाणी के माध्यम से आपने श्रवण किया, स्वामी जी महाराज जिस पे अपना वरद हस्त रखते हैं, स्वामी जी महाराज जिस पे अपने अहित की कृपा करते हैं उसकी क्या स्थिति होती है। आज के प्रसंग में महाराज बताने लगे, नेत कहें सब वेद पुराण दरेमन ध्यान प्रवीण अघात ना, संभ मुरार जपे मुक्चार बिना अधिकार विहार समात ना। नित्य नवीन धरे तन तीन बड़े रसलीन प्रवीण अघात ना, हैं सुखदान परी है बान पिए जल श्री हरिदास के हाथ ना। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी जी का याही ते दुर्लभता सबको लक्ष्मी पति ललचाए। हमारा स्वामी जी का जो देश है इतना ज्यादा दुर्लभ है, अगर माने तो इतना ज्यादा दुर्लभ है कि महाराज पृथ्वी के लोगों की तो चलाई कहा, भगवत स्वरूपों के लिए भी दुर्लभ है, भगवानों के लिए भी जो रस दुर्लभ है। नेत कहें सब वेद पुराण धरे मन ध्यान प्रवीण अघात ना, नेत नेत करके वेद पुराणों ने इस रस के बारे में
बखान किया है कि हमसे भी आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ, क्योंकि वेदों ने तो विष्णु भगवान को ही नहीं समझा, उनसे उनके लिए कह दिया रसो भाई सह, हमसे आगे बहुत कुछ है। तो स्वामी जी के देश की तो बात ही बहुत अलग है। तो नेत कहें सब वेद पुराण, धरे मन ध्यान प्रवीण अघात, ये जो रस है जाय न जोगिन की मनसा, सुमिले पर श्री हरदास के पायन। यहाँ पे जोगियों की मनसा भी नहीं पहुंचती, धरे मन ध्यान प्रवीण अघात, जो अपने अपने मन में बहुत बड़े पहुंचे हुए स्तर के अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े सिद्ध कोटि के समझते हैं, महाराज उनके लिए बता रहे हैं कि उनके लिए तो ये रस इतना ज्यादा दुर्लभ है कि उनकी पहुंच नहीं आता। क्योंकि यदि बात करें सिद्धता की, बात करें कि बहुत बड़ी पहुंच की, तो महाराज कह रहे हैं पंच ऋषियों का, पंच ऋषियों ने महाराज इतनी तगड़ी तपस्या करी, बहुत बहुत ज्यादा ही तगड़ी तपस्या, ऐसी तपस्या की महाराज कितने जन्म उनको निकल गए केवल इस रस की प्राप्ति के लिए। 10,000 योजन पहाड़ उनकी हड्डियों के बन जाए, 10,000 योजन ऊंचे पहाड़ उनकी हड्डियों के बन गए। अब सोचो कितना उन्होंने, कितने वर्ष तक और कितने जन्म तक उन्होंने वो तपस्या की होगी केवल नित्य विहार की प्राप्ति के लिए। तुम्हारा ये प्राप्त तो अगर ये सोचें कि बहुत सरल है तो सरल तो बिल्कुल ना है, क्योंकि लक्ष्मी पत प्रजपत कौन दुर्लभ, इनते कौन बड़ो अधिकारी, तू देव पितर लीने फिरे यहाँ राम कृष्ण न समाए। जो देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं कि ये हमको कुछ प्रदान कर दें, ये हमको कुछ दे दें, पर वो क्या देंगे। इस रस की बात करें तो यहाँ रस तक तो स्वामी जी के रस तक तो हमारा लक्ष्मी पत ललचाए तो देव पितर लीने फिरे, लक्ष्मी पत ब्रजपत को दुर्लभ, इनते कौन बड़ो अधिकारी। इधर बिहारी देव जी महाराज कहते हैं उमा रमा को सची सरस्वती ब्रज ब्रज जुबती ललचाए, महाराज उमा रमा सची सरस्वती ब्रज जुबती सबके लिए, जो स्वामी जी का जो रस है सबके लिए दुर्लभ है। तो नेत कहें सब वेद पुराण, सब के सब वेद पुराण शास्त्र सब के सब स्वामी जी के लिए नतमस्तक होते हैं। सब नेति नेति गायन करते हैं कि हमसे आगे बहुत कुछ है, स्वामी जी के रस के आगे तुम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो नेत कहें सब वेद पुराण, धरे मन ध्यान प्रवीण अघात, महाराज बड़े बड़े मुनि योगी और ज्ञानी इस रस का ध्यान धरते हैं, लेकिन उनके तो ध्यान में दूर दूर तक कोई वस्तु नहीं आती है, दूर दूर तक। धरे मन ध्यान प्रवीण अघातना, बड़े बड़े प्रवीण हैं अपने अपने भक्ति में, बड़े ही प्रवीण हैं। महाराज कहते हैं श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज, वृंदावन घन नवन कुंज में संतत सहज विराजत जोरी, अति अगाध महिमा रस जिनको सो पयत कृपा किशोरी, सुख नारद से भक्त मुक्त सुन कादिक सुरदन हूते छोरी, श्री बिहारी दास जस कहूं कहालो रसना सहस तव मत थोड़ी। प्रसंग आ गया है, बाकी ये जो है बार बार आता रहता है, प्रसंग के माध्यम से ये बात आ ही गई है कि वृंदावन घन नवन कुंज में संतत सहज विराजत जोरी, ये जो जोरी है सहज जोरी, मायरी सहज जोरी प्रकट भई जो रंग की गौर श्याम घन दामनी जैसे, ये जो जोरी है सहज जोरी, ऐसा ऐसी बात नहीं कि हमारे प्रियालाल अभी दरादाम पे आए तो अभी ही हुए, ऐसी कोई बात नहीं। सहज जोड़ी का जो मतलब है वो होता है कि सहज जोड़ी को यही स्वभाव आदि मध्य अंत ठहरा,
जो कि आदि में भी थी और मध्य में तो है ही और अंत में भी, हमेशा हमेशा रहने वाले, जब कोई भी नहीं था तब ये जोड़ी थी और जब कोई भी नहीं रहेगा तब ये जोड़ी रहेगी। तो ये हमारे स्वामी जी की जो जोड़ी है हमेशा हमेशा से, प्रिय लाल की जोड़ी शुरू से ही है। तो वृंदावन घन नव निकुंज में संतत सहज विराजत जोड़ी, जो स्वामी जी की जो प्रिया लाल की जो जोड़ी है सहज जोड़ी है, हमेशा हमेशा एक रस निपट नित्य विहार, रस रीत को सिंगार, ऐसा को उदार उपकारी पर पीर को, रसिक ननन भावे श्रीमुख सामरो गावे, गुरुन को गुरु श्री हरदास आसुधीर को। महाराज के निपट नित्य विहार है ये, जिस रस रीति को प्राप्त करने के लिए सबके सब लालाहित रहते हैं, जिस रस रीति को चाहने के लिए महाराज कितने बड़े बड़े दिग्गज उन इस रस को प्राप्त करने के लिए चाहना करते हैं लेकिन उन्हें प्राप्ति नहीं है। तो नेत कहें सब वेद पुराण, धरे मन ध्यान प्रवीण अगातना, वृंदावन का नव निकुंज में संत सहज बराज जोरी, अति अगाध महिमा रस जिनकी सो पयत एक कृपा कुसोरी। इस रस की जो महिमा है अति अगाध है, इतनी अगाध है कि हम अपनी मुख से, आचार्य जन स्वयं कहते हैं कि अपने मुख से हम कितनी बड़ाई करें इस रस की, तो हम इसको बार पार वारा पार पा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये रस छोटा मोटा रस नहीं है, हमारा भगवानों के लिए दुर्लभ है, ये बहुत बड़ी बात है। अति अगाध महिमा रस जिनको, अगर इस रस को प्राप्त करना है तो केवल एक ही मार्ग है, वो एक मार्ग क्या है कि जाए न जोगिन की मनसा सुमिले पर श्री हरिदास के पायन, जहां पे भगवानों की भी मनसा नहीं पहुंचे, जहां पे किसी की पहुंच ना हो, वो केवल और केवल श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में अनन्य प्रीति करके एकदम अनन्य कि हे स्वामी जी महाराज आपके अलावा मेरा कोई ना है, केवल आप ही हो, अनन्य प्रीति करके तब जाके इस रस को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अति अगाध महिमा रस जिनको सो पयत एक कृपा किशोरी, केवल प्रिया जी की, किशोरी जी की, लाडली जी की, हमारे स्वामी जी महाराज की प्रेम सहेली के प्रेम को, क्योंकि ये रस प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होए न कारज, भगवत बल तमाल प्रकट भए रस का चारज, बिना प्रेम देवता के आए, जब तक प्रेम देवता की कृपा हमारे हृदय में नहीं होगी तब तक इस रस देश की प्राप्ति हमको कदापि नहीं हो सकती है। तो अति अगाध महिमा रस जिनको सो पयत एक कृपा कसोरी, अब इससे आगे जो बात कही है बहुत ज्यादा ही बड़ी बात कह दी है, बहुत बड़ी बात कि सुख नारद से भक्त मुक्त सनकाद सुहृदन होते चोरी, इससे आगे क्या ही कहें। महाराज सुखदेव जी, नारद जी, सनकादिक जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी, सबके लिए रस दुर्लभ है। सुखदेव जी को बताया जाता है कि इतने ज्यादा रसिक सुखदेव जी, महाराज पूरी श्रीमद् भागवत जी में एक बार भी उन्होंने राधा नाम नहीं लिया, राधा जी का अगर जिक्र आया है तो केवल एक गोपी करके उसमें संबोधित किया है, राधा जी का नाम पूरी श्रीमद् भागवत जी में है नहीं। तो महाराज अगर गलती से भी एक बार सुखदेव जी महाराज एक बार भी राधा नाम ले लेते ना तो उनकी समाधि ही लग जानी थी, कितने कब कितने कितने महीना वर्षों की समाधि लग जाती है महाराज, और परीक्षित को केवल 7 दिनों में उद्धार करना था उसका, 7 दिनों 7 दिन का समय था उनको परीक्षित के पास। तो महाराज यही बात है कि इतने बड़े रसिक राधा नाम के, कि बहुत बड़े रसिक श्री सुखदेव जी महाराज,
तो सुख नारद से, सुखदेव जी, नारद जी, सनकादिक जी, सुख नारद से भक्त मुक्त ऐसे ऐसे भक्तों के लिए जो रस दुर्लभ है। सनकादिक सुहृदन हुत चोरी, इनके लिए भी बहुत दूर चोरी है। अब महाराज कहने लगे, श्री बिहारी दास जस कहूं कहालों रसना सहस तौ मत थोरी, कि हे बिहारी दासो, हे स्वामी जी के जनों, मैं इस रस की बड़ाई मैं कहालो करूं, रसना सहस हजारों रसना है जाएं, तौ मत थोड़ी, बुद्धि कहां से लेके आऊंगा। इस रस का गायन करना कोई मामूली बात नहीं है। तो नेत कहें सब वेद पुराण, धरे मन ध्यान प्रवीण अघातना, शंभु मुरार जपे मुखचार। यहां पे भी वही बात आ गई कि शंभु कहते हैं शंकर जी को, मुरार कहते हैं विष्णु जी को, मुखचार ब्रह्मा जी को, जपे मुखचार बिना अधिकार बिहार समातना। महाराज बिना अधिकार, इनको भी बिहार का अधिकार नहीं है, बिना अधिकार बिहार समातना, बिहार में इनका प्रवेश है ही नहीं। इनसे भी सबसे दूर दुरम दुर्लभ यह प्रकट होत सुखसार। ये जो रस है सबसे दूर बहुत छुपा हुआ रस है, क्योंकि पहली बार श्री स्वामी जी महाराज ने हम जीवों पर कृपा करके इस रस देश को, इस धराधाम पे अवतरित किया है। ये बात नहीं है कि इससे पहले था नहीं। महाराज ये जो रजोरी है वृंदावन का नवनिकुंज में संतत सहज विराज जोरी, सहज जोरी है, हमेशा हमेशा पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, सदा सदा रहेगी ये जोरी। मायरी सहज जोरी, ये जो सहज जो शब्द है, सहज शब्द का जो मतलब है, ये सहज हमेशा हमेशा के लिए बखाना जाता है। तो शंभु मुरार जपे मुखचार बिना अधिकार बिना विहार समातना, बिना अधिकार के ये जो विहार है सबके लिए प्राप्त नहीं है। महाराज कहते हैं कि ये जो जीव है, बहे जात संसार सुंद में श्याम सुकर गहे काड़े, माया काल विघ्न न कर सके चितवत ही उतठाड़े, कि ये जो जीव है एक तो संसार से ही निकल नहीं पाता है, संसार से नहीं निकल, बहे जात संसार सिंधु में, संसार रूपी जो समुद्र है इस समुद्र में बहे जा रहा है, वह ही जा रहा है। श्याम सुकर गए काड़े, स्वामी जी महाराज ने, हमारे प्रिया जी ने, लाल जी ने ऐसी कृपा करी कि इन्होंने हमारी बाजू पकड़ ली है। श्याम सुकर कर अपने हाथ से हमको पकड़ के इस संसार सागर से निकाल दियो, और हमको एक ऐसे समुद्र में अब गोता लगवाएंगे, क्योंकि ये जो संसार समुद्र मनुष्य मीन नक्र मगर जीव और जीव बहुबंध से, मन भयार प्रेरे स्नेह पद फंद पंद से, लोभ पिंजर लोभी मरजिया पदार्थ चार खंद खंद से, कहें श्री हरदास तेजी पारवे जे गई रहे चरण आनंद नंदस। संसार समुद्र से हमको प्रेम समुद्र में पहुंचना है। संसार समुद्र तो एक ऐसा है कि इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़ी मछलियां हैं। संसार समुद्र मनुष्य मीन नक्र मगर और जीव बंदस, और भी बहुत प्रकार के जीव यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग स्वभाव के जीव यहाँ पे हमको मिलेंगे। तो हमको इन सब से बच बचाए के, कहें श्री हरदास तेजी पार भाई जी गहे रहे चरण आनंद नंद से, वही जीव इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। जिन्हें कौन पार हो सकते हैं, कि मन लगाए प्रीत कीजे कर कर वासों ब्रजवीथिन दीजे सोनी, कहत कीजे साधु संगसों जो कलमस जाए सब्जी को। महाराज कह रहे हैं कि
अगर हित करना है हित तो कीजे कमल लहसुन जायत के आगे और हित लागे सब फीको कहत कीजे साधु संगसो जो कलमस जाए सब जी को। हमको हित करना है हमें प्रेम करना है तो कमल नैन श्री प्रियालाल श्री बिहारी जी महाराज स्वामी जी महाराज इनसे करना बस। क्या हित कीजिए साधु संगत से जो कलमस जाए सब जी को। यदि और हित करना है तो श्री जो संत महापुरुष हैं आचार्य जन हैं वाणी हैं इनसे प्रेम करो। कहत कीजिए साधु संगत सो जो कलमस जाए सब जी को। हमारे हृदय के जितने भी जो कलमस हैं सारे सारे कलमसों को निकाल के फेंक देंगे तो संसार समुद्र मनुष्य मीन नक्र मगर और जीव बहु बंधस मन व्यार प्रेरे स्नेह फंद फंदस। हम इसमें मन लगाए हुए हैं ना संसार में यही कारण है कि हम बार बार इसमें आते हैं और उसी में फंस जाते हैं। तो संसार समुद्र से निकल के हमको प्रेम समुद्र का जो रास्ता है वो प्रगाढ़ करना है क्योंकि जब प्रेम समुद्र में एक बार भी गोता लगा लिया ना हमने एक बार भी उस प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट। संसार समुद्र तो एक ऐसा समुद्र है कि महाराज इसमें यदि डूब गया व्यक्ति तो फिर उसको बार बार जन्मना बार बार मरना और इसी चक्कर में लगा रहता है उसको कभी भी कुछ प्राप्त नहीं होगा और बार बार दुखों का उसको संचित संचन किया करना पड़ता है बार बार दुखों को भोगना पड़ता है। हमको ऐसे समुद्र में गोता लगाना है जहां पे केवल और केवल प्रेम ही प्रेम सुख ही सुख हो। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट। हमको प्रेम समुद्र में गोता लगाना है संसार समुद्र में नहीं। और ऐसा समुद्र है ये स्वामी जी का जो समुद्र है एक बार जो स्वामी जी के रस देश में आ गया और स्वामी जी की रस देश को उसने हृदय से समझ लिया रसिक संतों की सानिध्यता में बैठकर उसको अच्छे से समझ लिया तो फिर क्या होता है प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसा लागे घाट। फिर महाराज घाट लगने का तो मतलब ही नहीं है फिर तो इसमें जितना ज्यादा डूबा जाए केवल डूबे ही रहो क्योंकि ये प्रेम समुद्र का प्रेम का समुद्र है और रूप रस की गहराई है। यहाँ पे तो बस आनंद ही आनंद है केवल रस ही रस गुरु से ही है। महाराज कहते हैं रस रसकन को रस पान है रस ही भोजन भोग रस बिन नैकुन रह सके रस गौर श्याम संजोग। रसिकों का जो पान है भोजन है जो उनका प्रसादी है उनका क्या केवल रस रसकन को रस पान है। पीते हैं तो केवल रस को पीते हैं भोजन करते हैं तो केवल रस का भोजन करते हैं। रस रसकन को रस पान है रस ही भोजन भोग यदि भोग करना है तो वो भी रस का ही भोग करना है कुछ भी करना है केवल रस रस का ही। जैसे हमारे आचार्य जन हुए चलते फिरते महाराज कहते हैं श्री स्वामी ललित किशोर देव जी महाराज रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरदास इनवल सो चैन सो तो निरखत नाही रास। कि मेरे रोम रोम में स्वामी जी महाराज उनको नाम मेरे रोम रोम में बसो भयो है उनकी जो केली है मेरे रोम रोम में बसी हुई है तो अब मुकु चाहिए गए निरखत नाही रास। हम रास के भी दर्शन नहीं करें क्योंकि रास का जो मतलब जो वैसे बताए रस रास कहत कवि रास को रास कहत रस रास एक सेज दुल दुल एक सेत बिलसा में तो दुल राम है हरदास एक सेज सुखरास तो बिलसा में हरदास। महाराज कहते हैं रास कहत कवि रास को जो और जो कवि हैं रास कहते होंगे रास को लेकिन हमारे यहाँ रस की राशि है रस का खजाना शुरू। और एक सेज सुख रास दो बिलसावे हरदास एक सेज का व्यवहार है। अब कैसे समझें ये बस स्वामी जी की कृपा हो जाए तब जाके समझ में आता है। तो बहे जात संसार सिंधु में श्याम सुकर गहे काड़े माया काल विघन ना कर सके चितवत ही उत्काड़े। जब स्वामी जी महाराज हमारे जब बाजू पकड़ लेते हैं तो ऐसी स्थिति हो जाती है हमारी ऐसी स्थिति कि माया काल भी विघन नहीं कर पाते हैं
वो दूर देखे खड़े होकर देखते रहते हैं और प्रणाम करते हैं कि महाराज आपकी कृपा हमारे ऊपर भी है जाए, आपकी जो कृपा है मेरे ऊपर भी है जाए, ऐसी कृपा करवा। तो माया काल विघ्न न कर सके चित्तवत ही उत्काड़े, तो माया काल उस पे बिल्कुल भी विघ्न नहीं कर पाते हैं, दूर के दूर खड़े होकर देखते रहते हैं। इंद्री देख दुरावत दारिद स्वान स्वभाव न छाणे, जो इंद्र है जो स्वामी जी के जो जन होते हैं उनसे डरता रहता है और अपने इंद्रासन को बचाता रहता है, कहूं जी मेरे इंद्रासन पर चढ़ाई ना कर दें, लेकिन उसे नहीं पता है कि इनको कुछ चाहिए ही नहीं, ना संसार की कोई वस्तु चाहिए, ना ही कोई इंद्रासन की, ना ब्रह्म लोक की, ना शिव लोक की, ब्रह्म लोक शिव लोक और लोक अस कहें श्री हरदास, विचार देखो बिना बिहारी ना ही जस। महाराज कह रहे हैं कि तिनका जो बिहार के बस, जो चाहे तो उड़ाए ले डारे अपने रस, ब्रह्म लोक शिव लोक और लोक अस कहें श्री हरदास, विचार देखो बिना बिहारी ना ही जस। बिना स्वामी जी की कृपा के, बिना स्वामी जी के नाम के कहीं पे भी कोई सुख नहीं है, महाराज बता रहे हैं। तो इंद्री देख दुरावत दार स्वान स्वभाव न छाड़े, जो इंद्र है वो स्वान स्वभाव छाड़ता नहीं है। ब्रह्म महाराज कहते हैं कि ये जो इंद्रासन है जो झूठी पात्र है, झूठी पात्र कैसे है कि अभी तो कोई और बैठा हुआ है, अभी ये इंद्र है, इसके बाद में कुछ समय के बाद में ये इंद्र बदल जाएगा, दूसरा आके यहाँ पर बैठ जाएगा, उसके बाद में वो भी बदल जाएगा और कोई आके बैठ जाएगा। तो झूठी पात्र पेट तर मत मेरी रह जाए, इंद्र देख गुड़ रहा है। महाराज कह रहे हैं कि इंद्र स्वभाव ना छाणे, इंद्र अपना स्वभाव नहीं छाणता है, वो ऐसे ही लगा रहता है, कोई भक्ति करने के लिए तत्पर होता है। इंद्र भी माया का स्वरूप ही है, तो हम भक्ति करते हैं तो इंद्र डरने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता है कि हमको जो रसिक जन होते हैं, जो उनके प्रेमी जन होते हैं स्वामी जी के, उन्हें कुछ चाहिए नहीं होता है। तो होत कहा अनसह सुरन के शीस पावे पाव दे चाड़े, गणत नत्रन बरसत सुमेर सुख अष्ट महासिद्ध आड़े। महाराज कह रहे हैं कि जो उनके रसिक जन होते हैं वो सुमेरु जैसे सुख भी कोई होना, महाराज जब इंद्रलोक को, ब्रह्मलोक को और भी जितने बड़े से बड़े जो सुख हैं उन सुखों को भी त्याग देते हैं रसिक जन। जब महाराज स्वामी जी के रसिक जन जब ब्रह्मलोक के, शिवलोक, विष्णु लोक और भी जो बड़े बड़े लोक हैं उन सबको त्याग देते हैं, तो और वस्तु की हम बात ही क्या कर रहे हैं। तो गणत नत्रन बरसत सुमेर सुख अष्ट महासिद्ध आड़े, बिहारे दास हरदास विपुल बल सुदृढ़ प्रेम दिल दिन बाड़े। अपनी जगह पे सुदृढ़ होकर केवल स्वामी जी महाराज का नाम जाप करते रहते हैं। तो नेत कहें सब वेद पुराण धरे मन ध्यान प्रवीण अघातना, शंभु मुरार जपे मुखचार बिना अधिकार बिहार समातना, नित्य नवीन धरे तन तीन। ये जो रस है तीन चना एक छोल का ऐसा अर्थ विचार, प्रियालाल और स्वामी जी महाराज ऐसे हैं। तो नित्य नवीन धरे तन तीन, बड़े रसलीन प्रवीण अगातना, हमेशा हमेशा उस रस्म का ही अवगाहन रहते हैं, हमेशा उस रस में ही रसमत रहते हैं, कभी भी रस को छोड़ के बिल्कुल भी रहते ही नहीं। तो नित्य नवीन धरे तन तीन, बड़े रसलीन प्रवीण अगातना, लेकिन आगे आके एक और बात कह दी कि हैं सुखदान परी है बाण, पिए जल श्री हरदास के हाथ ना, कि हमारे प्रियालाल को ये बाण पड़ी हुई है। बाण काय को कह में है, बाण कहते हैं हमारे प्रियालाल को ये आदत पड़ी हुई है कि बिना स्वामी जी की आज्ञा के तो हमें कुछ कार्य करना ही नहीं है। पिए जल श्री हरदास के हाथ ना, स्वामी जी के महाराज के हाथ से ही जल पीना है, मतलब स्वामी जी महाराज की कृपा के अनुसार ही, स्वामी जी महाराज ही जिस
व्यक्ति का, जिस किसी भी जीव का हाथ उनके हाथ में पकड़ाएंगे तभी जाके हमको वो प्राप्त होंगे। अगर हम डायरेक्ट उन्हें सीधे उन्हें प्राप्त करना चाहेंगे तो कविता ही नहीं होंगे। पहले स्वामी जी महाराज की कूची नित्य विहार की तो श्री हरदासी हाथ सेवक साधक सिद्ध सब जाचत नावत मात। ये जो नित्य विहार की जो चाबी है स्वामी जी महाराज के हस्तों में है। तो स्वामी जी महाराज के नाम को निरंतर जाप करते रहो। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। आज का प्रसंग, मन मेरे भजल श्री कुंज विहार, मन मेरे भजल श्री कुंज विहार, सब सुख सागर रूप उजागर, सब सुख सागर रूप उजागर, अंग संग प्रीतम प्यारी प्यार, वृंदावन घन नवन कुंज में, वृंदावन घन नवन कुंज में, केले करत भुज चारी चारी, बिहारी बिहारिन दास लड़ावत, बिहारी बिहारिन दास लड़ावत, जीवन प्राण मारे हमारे, जीवन प्राण मारे हमारे, मन मेरे भजे श्री कुंज विहार। बिहारी जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की, वृंदावन चंद्र जी की जय। जय जय श्याम कुंज विहारी श्री हरिदास।